Welcome students to class 12th. The subject is political science. Today we will have the topic from the book part B, that is politics in India since independence. This is your book, that is part B. So today we are going to discuss the chapter number 8. The name of the chapter is Regional Aspirations. This chapter consists the major topics. See the topics here on the screen. See the cursor. The very first topic is rise of regional parties. Second topic, Punjab crisis. Then the Kashmir issue and the movements for the autonomy. These are the major four topics which are also having the subtopics. Today we will discuss all these topics in detail. So let's start the chapter. See here the cover page of the chapter. Actually this page depicts the different name of the agitations. जो अलग अलग रीजन में एरिया में स्टेट्स में तरह तरह के आंदोलन हुए उनके बारे में ये डिपिक्ट कर रहा है दैट वी सीक सपोर्ट ऑफ एवरी इंडियन अगेंस्ट द इनजस्टिस एक्सप्लॉयटेशन एंड ऑपरेशन फॉर द क्रिएशन ऑफ उत्तराखंड स्टेट. ये पोस्टर उत्तराखंड स्टेट्स के निर्माण के लिए, मतलब रीजनल एस्पिरेशन के इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कौन से एरिया में, रीजन मीन्स होता है एरिया, कौन से एरिया, कौन से स्टेट्स की क्या एस्पिरेशंस हैं, उनकी क्या उम्मीदें हैं, होप क्या है, गवर्नमेंट से वो क्या डिमांड कर रहे हैं, उनकी डिमांड कैसी है, क्यों पैदा हुई उनकी डिमांड. इन दिस टॉपिक वी विल हैव द फुल डिटेल ऑफ ऑल दिस क्वेश्चन एंड द रीजन बिहाइंड द प्रॉब्लम्स. ओके, सो मूव टू द पेज. दिस इज द एनसीईआरटी पेज फ्रॉम योर बुक. फर्स्ट ऑफ ऑल सी द रीजनल एस्पिरेशंस. These are usually expressed in the language. See here in the cursor. These are expressed in the language of the region and addressed to the local population or the rulers. This unusual poster from the Uttarakhand movement appeals to all the Indian citizens in 7 different languages and thus underscores the compatibility of the regional aspirations with the nationalist sentiments. यहाँ पे जो अभी आपने ये पिक्चर देखी, पोस्टर देखा, जो उत्तराखंड का पोस्टर था, उत्तराखंड की अलग सेपरेट स्टेट की डिमांड थी लोगों की और इसको पोस्टर में अलग अलग लैंग्वेज में दिखाया गया है. ओके, तो सो में दैट सारे जो एरिया के लोग हैं उनके सेंटिमेंट्स, उनके जो एस्पिरेशंस हैं, उनकी होप्स हैं गवर्नमेंट से या उनके नेशनल सेंटिमेंट्स हैं, उनको अपील कर सके, उनको प्रमोट कर सके. तो इस चैप्टर में हमने रीजनल एस्पिरेशंस देखनी है. तो इसमें हमारे मेन चार टॉपिक रहेंगे. हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जिनको हम 7 सिस्टर्स बोलते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, पंजाब के बारे में पढ़ेंगे, कश्मीर की प्रॉब्लम को देखेंगे. तो ये हमारे मेजर टॉपिक्स. सी हियर द चैप्टर 8 रीजनल एस्पिरेशंस. तो आई वुड हैव द समरी ऑफ ऑल दीज टॉपिक्स इन अ वेरी डिटेल्ड वे. समरी होगी लेकिन उसमें बहुत सारी डिटेल आपको मिल जाएगी स्टूडेंट्स. बट आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू प्लीज रीड द चैप्टर बाई योर सेल्फ ऑल्सो. इफ यू वॉन्ट टू हैव द क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट प्लीज गो थ्रू द चैप्टर एंड ऑल्सो लिसन द वीडियो वेरी केयरफुली. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे रीजन, रियन दैट एंड द नेशन. नेशन और रियन में डिफरेंस क्या है, मतलब जो हमारा पूरा इंडिया, हमारी एक नेशन है, इसके जो सब पार्ट्स हैं, सब स्टेट्स हैं, इसके डिफरेंट रीजन्स हैं, उन सारे यूनियन, जितनी हमारी यूनियंस हैं या हमारी सब यूनियंस हैं, उन सबको इन्वॉल्व करता है हमारा ये नेशन. ओके, तो इंडिया की अप्रोच क्या है, जितने भी हमारे स्टेट्स हैं या हमारे एरियाज हैं, उनकी प्रॉब्लम्स हैं या गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेशंस हैं, उनको सॉल्व करने के लिए हमारे गवर्नमेंट की अप्रोच क्या है, स्टेप क्या लिया गवर्नमेंट ने. तो इंडिया अडॉप्टेड अ डेमोक्रेटिक अप्रोच. सी द कर्सर हियर. इंडिया अप्रोच द डेमोक्रेटिक अप्रोच. तो इंडिया ने, क्योंकि इंडिया में क्या है स्टूडेंट्स, डाइवर्सिटी है, तो इंडिया ने अपनी अप्रोच भी क्या रखी है, डेमोक्रेटिक रखी है, ताकि सारी डाइवर्स पॉपुलेशन को हम सेटिस्फाई कर सकें और जितने भी एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं जो हमारी डेमोक्रेसी के रास्ते में एक तरह की हिंड्रेंस है, उनको एक प्रॉपर
वे से गवर्नमेंट ने दूर किया है और लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं, स्टेट्स की जो प्रॉब्लम है, एरिया की जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको डेमोक्रेटिक वे से सॉल्व करने की कोशिश की गई है। ये स्टूडेंट्स सी हियर द स्क्रीन। सून आफ्टर द इंडिपेंडेंस द इशू ऑफ जम्मू एंड कश्मीर केम अप। अब इंडिपेंडेंस के बाद हमारी इंडिया की प्रॉब्लम्स फिनिश नहीं हुई, एक्चुअली ये प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। यहाँ प्रॉब्लम सिर्फ पार्टीशन के बाद पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, इंटरनली हमारे कंट्री में बहुत सारे डिस्प्यूट जो हमारे रीजनल एरियाज हैं वहाँ पे डिस्प्यूट शुरू हुए। सबसे पहली प्रॉब्लम आई हमारे जम्मू और कश्मीर के बारे में। उसके बाद क्वेश्चन था कि वहाँ के लोग जो कश्मीर वैली के लोग हैं उनकी अपनी डिमांड्स हैं, अपनी एस्पिरेशंस हैं, होप्स हैं, उम्मीदें लगा रखी हैं। उसके बाद हमारी प्रॉब्लम आई नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, जैसे फर्स्ट सबसे पहले नागालैंड में, मिजोरम में, वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट चली क्योंकि लोगों की डिमांड क्या थी, सेपरेशन फ्रॉम इंडिया। रिमेंबर दिस क्वेश्चन, ओके। फर्स्ट हमारा नागालैंड, मिजोरम, वहाँ पे लोगों ने डिमांड की देयर शुड बी अ सेपरेशन, मतलब वो इंडियन यूनियन से बिल्कुल सेपरेट अलग से एक स्टेट बनाएंगे। उसके बाद हमारे साउथ इंडिया में भी ऐसी डिमांड शुरू हुई, स्पेशली जब द्राविडियन मूवमेंट शुरू हुई। उसके बाद सेपरेट स्टेट्स का जो आइडिया था बाकी के यूनिट्स में, बाकी के सब स्टेट्स में भी ये फैल गया। तो ज़्यादातर हम देखेंगे ये लैंग्वेज से जो शुरू हुआ था, लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम थी लोगों की। जैसे आजकल हमारा जो आज का आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, ये ऐसे एरियाज हैं जो ऐसे लिंग्विस्टिक एजिटेशंस या रीजनल डिमांड्स की वजह से ये नई स्टेट्स हमारी बनी थी। इट मीन्स जो भी हमारी स्टेट्स हैं इनके पीछे कोई ना कोई इनकी स्टोरी है, कोई डिमांड है जिसकी वजह से ये सेपरेट स्टेट्स बने। और अगर हम देखें कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए कंट्री में बहुत ज़्यादा एजिटेशन हुए, और साउदर्न स्टेट में हिंदी को अपोज करते थे बिकॉज इन साउथ इंडिया पीपल डिडंट नो हिंदी, बट वो प्रेफर करते थे इंग्लिश को। तो इस चीज़ को भी गवर्नमेंट ने डेमोक्रेटिक वे से सॉल्व किया। उसके बाद प्रॉब्लम आई हमारी पंजाबी स्पीकिंग लैंग्वेज में, जो हमारे नॉर्थ के स्टेट्स थे पंजाब और हरियाणा, इनको लिंग्विस्टिक बेस पे 1966 में सेपरेट स्टेट्स बना के ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया। उसके बाद छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड, ये नई तीन स्टेट्स बनाई गई। ये भी एक, ये सारी नई स्टेट्स जितनी भी बन रही थी स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट इनकी डिमांड को सुन के इनको जस्टिस देने के लिए, इनकी डिमांड्स को पूरा करने के लिए, ताकि वायलेंस ना हो, पीस क्रिएट, पीस को मेंटेन किया जा सके, तो गवर्नमेंट ने नई स्टेट्स तो बना दी। बट दिस वाज द चैलेंज ऑफ द डाइवर्सिटी एंड यूनिटी। इंडिया की यूनिटी डाइवर्सिटी को एक तरह का चैलेंज था, क्योंकि नई नई बाउंड्रीज को रीड्रॉ करना, इंटरनल बाउंड्रीज को सेपरेट करना, ये सारा एक बहुत बड़ा मुद्दा था। तो बात करते हैं हम पहले कश्मीर का इशू क्या था। यस सी हेयर ऑन द स्क्रीन जम्मू एंड कश्मीर क्या था। जम्मू एंड कश्मीर में ये रिजल्ट था हमारा लॉस ऑफ मेनी लाइव्स इन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेनी फैमिलीज। द कश्मीर इशू इज ऑलवेज सी एज अ मेजर इशू बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान। ये एक मेजर प्रॉब्लम है हमारे दो कंट्रीज के बीच में। ये एक ऐसा स्टेट था, अभी ये स्टेट नहीं है, ये एक ऐसा स्टेट था पहले कि जिसकी वजह से हमारे दो कंट्रीज के बीच में हमेशा टेंशन रहती थी। अब बात करते हैं कि जम्मू और कश्मीर में मेन हमारे तीन जो हैं सोशल और पॉलिटिकल रीजन हैं, कौन कौन से हैं, जम्मू, कश्मीर एंड लद्दाख। द हार्ट ऑफ द कश्मीर रीजन इज द कश्मीर वैली, ओके। एंड पीपल यहाँ पे क्या है, मोस्टली मुस्लिम पीपल हैं, स्मॉल कश्मीरी पीपल हैं। अब ये लोग क्या चाहते हैं कि हमारे कश्मीर और लद्दाख इशू की इनकी एरिया को ऑटोनमी मिले, इनको खुद पावर मिले। द कश्मीर इशू इज नॉट जस्ट अ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, एक्चुअली दिस इज अ डिस्प्यूट बिटवीन द इंटरनल डायमेंशंस ऑल्सो, कि इंडिया के इंटरनल भी इस कश्मीर की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं। कश्मीरियत को लेके लोग अपनी जो वहाँ की सिटीजनशिप है, अपनी जो उनकी नेशनैलिटी है, उसको छोड़ना नहीं चाहते थे, और वहाँ के लोगों ने पोलिटिकल अटॉर्मी स्पेशल अपने लिए पोलिटिकल अटॉर्मी अलग से, राजनीतिक जो संगठन है उसकी शक्ति उसको अलग से मांगा था। अब इसकी प्रॉब्लम की रूट कहाँ से, शुरुआत कहाँ से हुई, बिफोर 1947 जम्मू एंड कश्मीर दीज वर द प्रिंसली स्टेट्स, ओके। द रूलर वाज द हिंदू रूलर, नेम ऑफ द रूलर वाज हरी सिंह। वो नहीं चाहता था कि इंडिया में ये मर्ज हो जाए,
and he tried to negotiate India and Pakistan to have an independent status for his state. अब जो वहाँ का राजा था, हिंदू रूलर था हरी सिंह, वो चाहता था कि पाकिस्तान और इंडिया उसके उसको ये सेपरेट अटोनमी दे दें, उसको अलग से पावर दे दें ताकि ये स्टेट अपनी अलग से एक जो है आइडेंटिटी बना ले। लेकिन ये यहाँ पे बहुत सारी पॉपुलर मूवमेंट्स भी चली और मूवमेंट को शुरुआत इसको लीड किसने किया, शेख अब्दुल्ला जो वहाँ का नेशनल कॉन्फ्रेंस का लीडर था, ये पार्टी का नेम है, शेख अब्दुल्ला ने मूवमेंट स्टार्ट किए। और वहाँ वो क्या चाहते क्या थे, जो महाराजा हरी सिंह है उससे छुटकारा चाहते थे और वो चाहते थे कि पाकिस्तान में हम ज्वाइन करें। लेकिन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी वो एक सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है, तो उसने कांग्रेस के साथ लंबे टाइम से अपने एक अच्छे रिलेशन बना के रखे हुए थे। तो शेख अब्दुल्ला वाज अ पर्सनल फ्रेंड ऑफ जवाहरलाल नेहरू। अब इसका इफेक्ट तो पड़ना ही था, पार्टी चाहती थी कि पाकिस्तान में हम जाएं, हरी सिंह चाहता था कि हम इंडिपेंडेंट हो जाएं, लेकिन जो वहाँ का रूलर था शेख अब्दुल्ला उसके रिलेशन किसके साथ थे, नेहरू जी के साथ थे। तो ऑब्वियसली उसने नेहरू के साथ अपनी जो फ्रेंडशिप थी उसको देखते हुए इंडिया को पाकिस्तान में मर्ज करने का सुजेशन दिया। तो 1947 में पाकिस्तान सेंट ट्राइबल इन्फिल्ट्रेट फ्रॉम इट्स साइड टू कैप्चर द कश्मीर। बहुत बार ऐसा हो चुका है कि पाकिस्तान ने बहुत सारे ट्राइबल लोगों को भेजा है कि यहाँ कश्मीर को अपने कब्जे में ले लें, ठीक है। तो ये इसकी वजह से इंडिया में बहुत ज़्यादा क्या होता रहा, डिस्टर्बेंस क्रिएट होती रही और कई बार इतनी वायलेंस हुई, इसका बहुत बैड रिजल्ट पड़ा। नाउ स्टूडेंट्स सी द पिक्चर, दिस इज द न्यूज फ्रॉम द हिंदुस्तान टाइम्स, कश्मीर एक्सेड टू इंडिया। अब क्या हुआ था, ड्यूरिंग जो 1953 से 1974 था, कांग्रेस का रूल था, कांग्रेस का बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में इन्फ्लुएंस था, तो नेचुरली जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में भी इसका बहुत इन्फ्लुएंस था। 1974 में क्या हुआ, जो शेख था ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट एंड एक्सेप्ट फ्रॉम दिस इन 1989 सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स वॉज ऑल्सो सरफेस्ड इन कश्मीर विद द स्ट्रॉन्गर डिमांड। अब उनकी डिमांड अटॉर्मी के लिए और भी स्ट्रांग हो गई, वो चाहते थे कि उनको अलग से अटॉर्मी मिले, उनकी स्टेट सेपरेट हो जाए। तो इस वजह से इंडिया में और कश्मीर में इंटरनल टेंशन थी, वो हमेशा चलती है। लेकिन एक प्लेबिसाइट हुआ था, प्लेबिसाइट एक तरह का हम कह सकते हैं कि इलेक्शन की तरह होते हैं, लोगों से यस और नो पूछा जाता है वो किसकी फेवर में है। तो इसकी वजह से प्लेबिसाइट सून ऑन द रूलर्स डिसीजन, जो शेख अब्दुल्ला था, टू फॉर्म इंटरिम गवर्नमेंट। अब वहाँ उसकी गवर्नमेंट बन गई थी, नेहरू जी के साथ उनका पैचअप था, तो नेचुरली बहुत सारा पॉलिटिकल इम्पैक्ट था कांग्रेस की वजह से। नाउ सी स्टूडेंट एक्सटर्नल एंड इंटरनल डिस्प्यूट, जो जम्मू एंड कश्मीर की वजह से हमारे कंट्री में इंटरनल डिस्प्यूट तो होते रहे हैं हमारी गवर्नमेंट का और जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट का। दूसरा एक्सटर्नल डिस्प्यूट जो था हमारे नेबरिंग स्टेट, जो हमारी नेबरिंग कंट्री है उसके साथ, पाकिस्तान के साथ बना रहा। एक्चुअली क्या था, एक्सटर्नली जो पाकिस्तान था ऑलवेज क्लेम्ड दैट कि कश्मीर उनका पार्ट है, उनका ही रहेगा। एज वी नोटेड अबव, पाकिस्तान जो स्पॉन्सर्ड था ट्राइबल इन्वेजन था ऑफ स्टेट इन 1947, ट्राइबल लोगों ने उसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश की, तो जिसका रिजल्ट क्या निकला कि स्टेट केम अंडर द पाकिस्तानी कंट्रोल। अब ट्राइबल पीपल की वजह से जो जिन्होंने वहाँ पे हमला किया था, अब उनके कंट्रोल की वजह से पाकिस्तान ये सोच रहा था कि ये पाकिस्तान का ही हिस्सा बन गया, उसकी टेरिटरी बन गई। लेकिन इंडिया ने इसको क्या बोला, इलीगल ऑक्यूपेशन, कि जो ये कब्जा है इलीगल है, ठीक है। तो पाकिस्तान इसको जो जितने एरिया को ट्राइबल एरिया को उसने जीता था उसको नेम देता था आज़ाद कश्मीर। नाउ सी है इंटरनली क्या था, देयर वॉज अ डिस्प्यूट रिलेटेड टू द स्टेटस ऑफ कश्मीर, इट इज़ विद इन द इंडियन यूनियन और इट इज़ विद द पाकिस्तान। सो आपको हमें पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एक स्पेशल स्टेटस दिया अंडर द आर्टिकल 370 में। इस स्टेटस के अकॉर्डिंग क्या था कि स्पेशल प्रोविजंस वर्ड गिवन टू पाकिस्तान, पाकिस्तान को स्पेशल प्रोविजन दिए गए थे कौन से आर्टिकल में, अंडर आर्टिकल 370 एंड 371। अब लास्ट ईयर जो था इस आर्टिकल को हमने ख़त्म कर दिए, फिनिश कर दिया। अब हमारा जो जम्मू कश्मीर है इट इज़ नो मोर आ स्टेट, ओके। तो आर्टिकल 370 के अकॉर्डिंग क्या था, जम्मू कश्मीर को बहुत ज़्यादा हमने पावर्स दे दी थी, ऑटोनमीज दे दी थी,
बाकी स्टेट के कंपैरिजन जम्मू कश्मीर को ज्यादा पावर्स मिली हुई थी, और स्टेट का सबसे बड़ी बात है जम्मू कश्मीर स्टेट का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन था। ओके, तो ये हमारे स्पेशल प्रोविजन थे ताकि यहाँ के लोगों को एक जो ऑटोनमी की डिमांड थी उसको किसी न किसी तरीके से जस्टिफाई करके पूरा किया जा सके। बट हमें यू मस्ट रिमेम्बर स्टूडेंट्स, दिस आर्टिकल 370 एंड 71 इज नाउ बैंड। जम्मू कश्मीर इज नॉट हैविंग द सेपरेट स्टेट और द इंटरनल स्टेट, इट इज जस्ट अ यूनियन टेरिटरी नाउअडेज। नाउ सी द स्टूडेंट्स, इसके रिजल्ट क्या निकले, क्योंकि शेख अब्दुल्ला जो था उसके हमारी कांग्रेस पार्टी के साथ, स्पेशली नेहरू जी के साथ बहुत फ्रेंडली रिलेशन थे, तो दस द कांग्रेस गेन्ड डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट इन द स्टेट। अब कांग्रेस का शेख अब्दुल्ला के थ्रू क्या था, डायरेक्ट कंट्रोल था। कांग्रेस गेन्ड द डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट इन द स्टेट। इन द मीनवाइल देयर वाज सेवरल अटेम्प्ट्स टू रीच द एग्रीमेंट बिटवीन शेख अब्दुल्ला एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बहुत सारे एग्रीमेंट करने की कोशिश की गई, बट फाइनली 1974 में जो था इंदिरा गांधी ने एक एग्रीमेंट रेडी किया। ये एग्रीमेंट था इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, हमारी नेशनल गवर्नमेंट जो थी, और शेख अब्दुल्ला की गवर्नमेंट में जो उस टाइम में सीएम बन गए थे, दोनों के बीच में एक समझौता हुआ और एक नेशनल कॉन्फ्रेंस जो उसके द्वारा जो हुई उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी थी जिसमें वो इलेक्ट हो गया था विद द मेजॉरिटी। सीधे पिक्चर्स है यार, शेख अब्दुल्ला ये उसके साथ, पहले उसने मेजॉरिटी में अपनी जो पार्टी थी उसमें इलेक्शंस को जीत लिया था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स, 1977 में जो इलेक्शन हुई थी उसमें उसने मेजॉरिटी से असेंबली इलेक्शन जीत लिए थे। एंड शेख अब्दुल्ला डाइड इन 1982 एंड द लीडरशिप ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस इज द नेम ऑफ पार्टी इन जम्मू एंड कश्मीर, दैट वेंट टू हिज सन फारूक अब्दुल्ला, जो उसका सन था। इस नेम को बहुत ध्यान से लर्न करना स्टूडेंट्स, मिक्स नहीं करना। 77 की इलेक्शन में बहुत मेजॉरिटी से शेख अब्दुल्ला जीते, 82 में उनकी डेथ के बाद जो उनकी पार्टी थी उसके लीडर उनके जो बेटे थे फारूक अब्दुल्ला बन गए और वहाँ के सीएम बन गए। लेकिन जल्दी ही वॉज सून डिसमिस्ड बाय द गवर्नर एंड अ ब्रेकवे फिक्शन ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस केम टू पावर फॉर अ ब्रीफ पीरियड। थोड़े देर के लिए जो थी उनकी पार्टी थी नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसमें फैक्शन हो गया दो तरह की, अब उसमें ओपिनियन वाले मेंबर बन गए और वो ज़्यादा देर तक वहाँ पे सीएम नहीं रह पाई। अब शेख अब्दुल्ला को पावर से डिसमिस करने के बाद वहाँ कश्मीर में जो था माहौल था, एनवायरनमेंट था, वो थोड़ा गड़बड़ा गया। अब लोगों को चाहिए थी सिक्योरिटी, तो ये एक टाइम था, द कॉन्फिडेंस था कि कश्मीरीज को अपने उसमें कॉन्फिडेंस में लेना था। इंदिरा गांधी ने जो एक समझौता किया था उसके बाद उसको दोबारा से रिवाइव किया, सेंट्रल स्टेट में उनके अच्छे उसको रिलेशन बनाने के लिए इंटरवेंशन भी शुरू की। तो उसके बाद इनके जो रिश्ते थे सेंट्रल स्टेट के वो उसको मजबूत करने के लिए 1986 में उन्होंने एक एग्रीमेंट किया टू हैव एन इलेक्टोरल अलायंस विद कांग्रेस द रूलिंग पार्टी इन द सेंटर। अब वहाँ की गवर्नमेंट ने कांग्रेस पार्टी जो सेंटर में गवर्नमेंट थी 86 में एक समझौता कर लिया ताकि उस मुद्दे को थोड़ा शांत किया जा सके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पंजाब प्रॉब्लम। पंजाब में प्रॉब्लम क्या थी, हमारे जो पंजाब में लिंग्विस्टिक बेस की, पंजाबी बेस की तो प्रॉब्लम थी, लेकिन यहाँ के जो सिख मेजॉरिटी है दे आर विलिंग टू हैव अ सेपरेट स्टेट। अब उनका जो सेपरेट स्टेट का था पंजाबी सूबा, इसको एक सेपरेट स्टेट बनाना चाहते थे, तो इसका हमारी जो पॉलिटिक्स थी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, बहुत ज़्यादा इसके डिवास्टेटिंग रिजल्ट भी निकले। हम देखते हैं कि इनका जो डिटेल थी उसकी रूट्स थी कहाँ तक थी, जो अकालीज थे, अकालीज 1967 में और फिर 1977 में दो बार जब पावर में आए पंजाब में अकाली पार्टी, ठीक है, तो दोनों मौके पर क्या था इनकी कोलिजन गवर्नमेंट बनी थी। तो अकालीज ने ये देखा कि रीड्रॉइंग ऑफ द बाउंड्रीज, जो हमारी पंजाब की बाउंड्रीज है उनको दोबारा से देखना चाहिए गवर्नमेंट को, बट गवर्नमेंट ने इनकी डिमांड्स को डिसमिस कर दिया था। सी हियर, सेंट्रल स्टेट ये चाहती थी कि पंजाब में हिंदू और सिख की जो यूनिटी है उसके अकॉर्डिंग ये चलना चाहिए, लेकिन जो सिख कम्युनिटी थी दे वुड लाइक टू हैव द सेपरेट स्टेट। तो बहुत सारी कम्युनिटी रॉयट्स भी हुए, दंगे हुए, दलित पीपल, हिंदू सिख
तो बहुत तरह के जो कांग्रेस ने इनसे सपोर्ट प्राप्त करने की कोशिश की, बट ये जो इनकी डिमांड थी वो उसको पूरा ना कर पाए। तो इसके बाद 70s के बाद एक कुछ नया ही हमारी पॉलिटिक्स में जो था, एक रूप नया सामने आया। तो हमारी जो गवर्नमेंट थी उस टाइम की गवर्नमेंट ने आनंदपुर में एक आनंदपुर रेजोल्यूशन, मतलब एक तरह का समझौता किया। किसके साथ किया था? जो वहाँ के लीडर थे, सिख पॉलिटिकल पार्टी के लीडर थे, सी द पिक्चर है, संत हरचरण सिंह लौंगोवाल, इनके साथ एक अकॉर्ड किया, एक समझौता किया। उस समझौते का नाम था द आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन। ओके, इसमें क्या था, कुछ जो डिमांड्स थी उनको सामने रखा गया कि जो पंजाब की बाउंड्रीज है उसको रीडिफाइन करें, पंजाब में सेंटर और स्टेट के जो रिलेशनशिप है उनको दोबारा से देखा जाए। क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट की डिमांड क्या थी कि हमें ज़्यादा पावर्स मिलनी चाहिए, सेंटर से ज़्यादा पावर्स मिलनी चाहिए, एंड सी द एस्पिरेशन ऑफ सिख पीपल, जो सिख कम्युनिटी है, सिख कौम है, उनकी जो एस्पिरेशन है टू हैव मोर पावर्स। उसके अलावा एक जो डोमिनेंस होती है, हैगेमनी होती है, इसको क्या बोलते हैं, बोलबाला, ये लोकल लैंग्वेज का वर्ड है बोलबाला, ये पंजाबी में अपना बोलबाला चाहते थे, मतलब अपनी डोमिनेंस चाहते थे। लेकिन क्या था कि अगर एक स्टेट सेपरेट हो जाती है तो हमारी पूरी कंट्री की जो यूनिटी इंटेग्रिटी है उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है। तो इसके लिए हमारा जो था अकाली गवर्नमेंट थी, उन्होंने 1980 में अकाली गवर्नमेंट जो डिसमिस होगी, तो अकाली दल ने एक मूवमेंट शुरू कर दी। ठीक है, ये मूवमेंट अब क्या थी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बिटवीन पंजाब एंड इट्स नेबरिंग स्टेट्स, स्पेशली हरियाणा। ओके, तो अब उन्होंने पंजाब प्रॉब्लम, वाटर प्रॉब्लम और एक नया एलिमेंट सामने आया खालिस्तान के प्रॉब्लम को सामने रखा। उनकी ये तीन जो एस्पिरेशंस थी, डिमांड्स थी, होप्स थी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से मनवाना चाहती। ड्यू टू दिस एक टाइम पीरियड में ऐसा हुआ कि 1984 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उसका और पंजाब में बहुत बड़ा इशू बन गया। यहाँ पे कम्युनिटी बेस्ड, रिलीजियस बेस्ड इशू बन गया। यहाँ पे सबसे बड़ा जो ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन ब्लू स्टार, इसका नेम रखा गया। इसमें क्या था, जो आर्मी एक्शन था गोल्डन टेम्पल में, आर्मी एक्शन लिया गया। तो इसमें जो हमारी सिख कम्युनिटी थी उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हुए, बहुत हर्ट हुए। तो इस वजह से हमारी गवर्नमेंट के साथ और सिख कम्युनिटी के साथ जो रिलेशन थे बहुत वर्स कंडीशन में आ गए। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स किए गए, बट 31 अक्टूबर 1984 को जो हमारी प्राइम मिनिस्टर मिसेज इंदिरा गांधी थी, शी वॉज असैसिनेटेड, शी वॉज किल्ड बाय हर ओन बॉडीगार्ड्स। तो इस वजह से हमारी पंजाब में टेंशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई। सी द पिक्चर, डिफरेंट न्यूज पेपर्स वर शोइंग दिस न्यूज, दिस इज द पिक्चर ऑफ ऑपरेशन ब्लू स्टार। ओके, तो यहाँ पे जितने भी थे हमारी कम्युनिटी रॉयट्स और भी ज़्यादा इंक्रीज हो गई। पंजाब के अलावा हमारी और भी नेबरिंग स्टेट्स, स्पेशली यूपी, दिल्ली, यहाँ पे वॉयलेंस के केसेस बहुत ज़्यादा शुरू हो गए। सी द पिक्चर्स हियर स्टूडेंट्स, ये आपको पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया गया, सी द टॉपिक रोड टू पीस। अब हमारे जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे आफ्टर मिसेज इंदिरा गांधी, प्राइम मिनिस्टर मिस्टर राजीव गांधी, अब उन्होंने वार्तालाप से, डायलॉग से, पीसफुल जो डायलॉग थे अकाली लीडर के साथ शुरू किए और ये काफ़ी सक्सेसफुल भी हुए। 1985 में एक एग्रीमेंट हुआ, हरचंद सिंह लौंगोवाल जो वहाँ की अकाली दल पार्टी का प्रेसिडेंट था और राजीव गांधी के बीच में, तो दोनों के बीच में एक समझौता हुआ जिसको हम बोलते हैं पंजाब अकॉर्ड। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आपको 3 मार्क्स में और 4 मार्क्स में ईजिली आ सकता है। शॉर्ट नोट ऑन पंजाब अकॉर्ड, इट एक्चुअली दिस अकॉर्ड इज नोन एज द रोड टू पीस। जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर और अकाली दल लीडर हरचंद सिंह लौंगोवाल में हुआ था। इसमें कुछ एग्रीमेंट्स रखे गए, चंडीगढ़ जो था वो ट्रांसफर इंडिया की पंजाब की और हरियाणा की कैपिटल सिटी बना, पंजाब को दिया गया, ये डिमांड थी। और एक सेपरेट कमीशन बनाया जाए जो बॉर्डर डिस्प्यूट को लेके, पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर डिस्प्यूट को लेके था, वो सेपरेट कमीशन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। जो था अब उनका वाटर शेयरिंग प्रॉब्लम थी रावी ब्यास रिवर के बारे में, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना था। इसके अलावा पंजाब का हरियाणा और राजस्थान के साथ भी वाटर प्रॉब्लम को लेकर एक एग्रीमेंट उन्होंने डिमांड रखी। तो ये बहुत ही सक्सेसफुल एग्रीमेंट कह सकते हैं। इसके बाद काफ़ी देर तक पीसफुल एटमोसफेयर बना रहा है पंजाब में। तो इसके अलावा
अब पंजाब में जो इलेक्शंस हुई पहले तो यहाँ पे इमरजेंसी रूल था, तो यहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस जो स्पेशल पावर एक्ट था पंजाब में उसको विड्रॉल करने की बात की थी, क्योंकि काफ़ी देर से पंजाब में इमरजेंसी की वजह से जहाँ आर्म्ड फोर्सेस तैनात थी, सेना बल थे, तो उनको विड्रॉ करने के लिए भी बहुत उन्होंने डिमांड रखी गई। अभी इसका इस प्रॉब्लम का हमारे जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट था उसके ऊपर इतना असर पड़ा कि जब हमारी 1992 में इलेक्शंस हुई तो उस टाइम में पंजाब में 1992 के इलेक्शन में सिर्फ और सिर्फ 24% जो था टर्नआउट था, मतलब लोगों की जो वोटिंग में पार्टिसिपेशन थी टोटल वोटर्स की वो सिर्फ 24% थी, क्योंकि ऐसा टेंशन का जो था एनवायरनमेंट क्रिएट हो चुका था। तो हमारे उसके बाद पीस ट्रीटीज़ को लेके पंजाब में बहुत बार इसके लिए एफर्ट्स किए गए, स्पेशली मिडल 1990s में जो अकाली दल, उसके बाद अकाली दल बादल, ये दो ग्रुप्स में आके थे, अकाली दल बादल और बीजेपी ने दोनों ने मिलके 1997 में एक कोलिजन गवर्नमेंट बनाई थी, नॉर्मल इलेक्शन हुए थे। तो इसके बाद था जो मिलिटेंसी का एनवायरनमेंट था उसको थोड़ा रिमूव किया गया, अब लोगों के पास रिलीजियस आइडेंटिटीज को लेके जो प्रॉब्लम्स थी गवर्नमेंट ने उनको ग्रेजुअली मूव करने के लिए बहुत सारे पीसफुल एफर्ट्स किए गए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दिस इज द नॉर्थ ईस्ट स्टेट। अब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जिसको हम सेवन सिस्टर्स भी बोलते हैं, यहाँ पे क्या इशू था, यहाँ पे रीजन में क्या था, 4% ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन, पूरी कंट्री की सिर्फ 4% पॉपुलेशन है, लेकिन यहाँ का एरिया, यहाँ की जो कॉरिडोर है 22 किलोमीटर तक का एरिया है वो हमें दूसरी कंट्री से कनेक्ट करने के लिए जो एरिया है इसको 4% की पॉपुलेशन से ये भरा हुआ है। अब क्या है, इस एरियाज में बाउंड्रीज जो हैं चाइना के साथ शेयर होती है, म्यांमार के साथ शेयर हो रही है इसकी बाउंड्री और बांग्लादेश के साथ है। तो एंड इट इज नोन एज द गेटवे टू द साउथ ईस्ट एशिया। ओके, ये आपका वन मार्क क्वेश्चन हो सकता है, व्हाई द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इज नोन एज द साउथ ईस्ट एशिया का गेटवे क्यों है ये? तो क्योंकि इसकी बाउंड्रीज जो हैं, बिकॉज इट शेयर द बाउंड्री विद चाइना, म्यांमार एंड बांग्लादेश। तो यहाँ पे भी बहुत सारे 1947 के बाद बहुत सारी चेंजेस आई, मणिपुर में जहाँ खासी हिल्स है, मेघालय में, यहाँ सारी ये सारी प्रिंसली स्टेट्स होती थी और इंडिपेंडेंस के बाद ये इंडिया में मर्ज होगी। तो अब यहाँ पे पॉलिटिकल जो था रीऑर्गेनाइजेशन थी, नागालैंड स्टेट सबसे पहले नागालैंड स्टेट बनी 1962 में बनाई गई, फिर मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय ये 1972 में बने, उसके बाद मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, दे बिकेम द सेपरेट स्टेट ओनली इन 1986। अब ये सारी स्टेट्स कैसे बनी, इनकी स्टोरी क्या है, इसको हम जानते हैं अंडर द टॉपिक ऑफ रीजनल एस्पिरेशंस। नाउ सी द मैप स्टूडेंट्स, दिस इज द मैप ऑफ इंडिया, ओनली नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया इज शोन हियर, दीज आर द सेवन सिस्टर्स, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एंड दिस वन इज द असम। ओके, देन सी हेयर स्टूडेंट्स, ये जो सेवन सिस्टर्स है यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या आई, तो मणिपुर, त्रिपुरा ये सारी स्टेट्स पहले असम का पार्ट थी, अब इन स्टेट्स को क्या चाहिए था, दे वॉन्टेड टू हैव अ सेपरेट अटॉर्नी, अब उनको स्पेशल अपनी अटॉर्नी, अपनी अलग पावर चाहिए थी, असम गवर्नमेंट से बिल्कुल हटके इन्होंने अलग अपनी एक आइडेंटिटी बनानी थी, मीन्स यहाँ भी प्रॉब्लम क्या थी, सेपरेटिज्म की। तो ये स्टेट्स अलग अपनी आइडेंटिटी बनाने के चक्कर में असम से अलग होगी। यहाँ पे कौन कौन से मेजर जो ट्राइब्स थे, कौन कौन से ट्राइब्स है, सी हेयर द कार्बिस, दिमाशास, ये सारे अपने आप को अलग स्टेट अटॉर्मी के अंडर लेके आना चाहते थे, और इसके साथ थे बोडोस, ये तीसरी वहाँ की जो कम्युनिटी है। ओके, दे ऑल वर विलिंग टू हैव द सेपरेट अटॉर्मी, तो इसके लिए इन्होंने अटोनमस काउंसिल जो उनको अलॉट हो गई थी वो बनाई। अब दूसरा देखते हैं कि इनके साथ जो प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम है क्या थी, एक्चुअली असम में मेजर प्रॉब्लम थी आउटसाइडर्स की, कि असम में एक इशू था, असम इशू, ये चाहते थे कि जो बाहर से असम में बाहर से लोग आ रहे हैं, ये दूसरे कबीले के लोग आ रहे हैं, उससे असम की इकॉनमी और पॉलिटिक्स के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है, इन्फ्लुएंस हो रहा है, कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल असम में जो भी वहाँ पे मिनरल रिसोर्सेज हैं, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज हैं, या सोशल उनके प्रिविलेजेस हैं, ठीक है, लैंड, हाउसेज, मार्केट्स, अब दूसरे का बाहर से आके शेयर करेंगे तो नेचुरली उनका स्टेटस लो होगा, कि प्राइसेस कम होंगी, या उनकी एम्प्लॉयमेंट के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा,
दूसरा उनकी जो पॉलिटिकल पार्टीज है उसके ऊपर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि बाहर से आने वाले जो ट्राइबल हैं, कार्बीज कम्युनिटीज हैं, डिमासास हैं और बोर्डर्स हैं, इन सब के वजह से वो चाहते थे कि उनकी कंट्री में डिस्टर्बेंस हो रही है, उनके स्टेट में डिस्टर्बेंस हो रही है। तो इस वजह से ये तीन नई स्टेट्स बनाई गई और एक समझौता हुआ जिसको बोलते हैं असम अकॉर्ड। ठीक है, ये असम अकॉर्ड में स्टूडेंट्स मेन प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम वाज विद द आउटसाइडर, और ये कब हुआ, 1985 में ये पास हुआ था। नाउ सेम प्रॉब्लम वाज देयर विद मिजोरम, यहाँ पे मिजो हिल एरिया, यहाँ पे ये भी अपने आप को ऑटोनमस बनाना चाहते थे असम में। मिजोस का ये बिलीव था दे वर नेवर अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड दे डिड नॉट बिलोंग टू इंडियन यूनियन, ये उनकी मेन जो थी थिंकिंग थी कि वे ना तो कभी ब्रिटिश इंडिया का पार्ट थे, इसलिए वो इंडियन यूनियन के अंडर भी नहीं है। तो वो अलग से उन्होंने अपना एक मिजो ने आंदोलन शुरू किया, मिजो नेशनल फ्रंट, उसकी एक पार्टी बनी और उनके लीडर थे मिस्टर लाल दिंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिजोज ने अपनी सेपरेशन के लिए एक पार्टी बनाई, नेशनल फ्रंट पार्टी MNF, किसकी लीडरशिप में थी, मिस्टर लाल दिंगा की लीडरशिप। और अब 1966 में NF ने एक आर्म्ड कैंपेन शुरू कर दिया, अपनी इंडिपेंडेंस को लेके एक हथियारबंद आंदोलन शुरू कर दिया। ठीक है, इसमें उन्होंने बहुत सारी गुरिल्ला वॉर्स लड़ी फॉर द सपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तानी गवर्नमेंट। अब इस वॉर में, गुरिल्ला वॉर में, मिजो पीपल थे उनको पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने काफ़ी सपोर्ट भी किया ईस्ट पाकिस्तान में, इस वजह से हमारे इंडिया में जो सिक्योरिटी के ऊपर क्वेश्चन था, तो फिर उस वे को लेके हमारी एयरफोर्स ने इसमें इस ऑपरेशन में पार्ट लिया, और जो भी ये उनकी आपस में इंसर्जेंसी थी या जो वॉर चल रही थी उसको सॉल्व किया, और एक पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ, इस समझौते के साथ, गवर्नमेंट के डिसीजन के साथ इसको, जो इनकी प्रॉब्लम थी उसको ख़त्म किया। सीधा पिक्चर लेटर टू मिस्टर लाल दिंगा टू हेड कोलिजन गवर्नमेंट। ओके, ये उनकी उस टाइम की पिक्चर है कि लाल दिंगा जब उनको पाकिस्तान में भेज दिया था, उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट के साथ उनकी बात वार्तालाप हुई, नेगोशिएशन हुई, तो राजीव गांधी ने इसके बारे में सबसे पहले पॉजिटिव कंक्लूजन लिए और 1986 में एक पीसफुल एग्रीमेंट साइन करवाया। तो ये एग्रीमेंट था राजीव गांधी एंड लाल दिंगा। स्टूडेंट, इससे पहले भी हमने राजीव गांधी का और पंजाब में मिस्टर हरचंद सिंह लौंगोवाल के बीच में एक अकॉर्ड पढ़ा था, पंजाब अकॉर्ड, पंजाब समझौता। अब ये दूसरा पढ़ रहे हैं, राजीव गांधी की गवर्नमेंट ने लाल दिंगा के साथ एक एग्रीमेंट किया 1986 में, और जिसके अकॉर्डिंग मिजोरम वाज ग्रांटेड फुल फ्लेज स्टेट हुड, अब उसको पूरा स्टेट का दर्जा दे दिया गया। नाउ आंसर मी इन द कमेंट बॉक्स, व्हेन मिजोरम वाज डिक्लेयर्ड एज अ फुल फ्लेज स्टेट। आंसर, इट वाज डिक्लेयर्ड एज अ फुल फ्लेज स्टेट इन 1986 आफ्टर द राजीव गांधी एंड लाल दिंगा अकॉर्ड, इनके बीच में समझौता होने के बाद इसको एक पूरी फुल फ्लेज स्टेट का दर्जा मिल गया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दिस इज द असम मूवमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। असम मूवमेंट जो थी 1979 से 1985 तक, ये बहुत अच्छी एग्जाम्पल थी द मूवमेंट अगेंस्ट द आउटसाइडर। ओके, तो इसमें असामी जो थे उनको सस्पेक्ट था कि हुज नंबर ऑफ इलीगल बंगालीज मुस्लिम है, जो उनके कंट्री में बांग्लादेश से आकर उनके एरिया में रह रहे हैं। सो असम मूवमेंट वाज अगेंस्ट द आउटसाइडर, इट वाज द मूवमेंट अगेंस्ट द आउटसाइडर। हु वर द आउटसाइडर हियर, द बंगाली मुस्लिम्स जो बांग्लादेश से आए थे, हमारे नेबरिंग कंट्री से। तो इसकी वजह से हमारी सिक्योरिटी के ऊपर, हमारी इकोनॉमी के ऊपर, हमारी जो पॉवर्टी थी, अनएम्प्लॉयमेंट थी, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ रहा था। बेशक असम में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, ऑयल है, टी है, कोल है, इसके बावजूद भी हमें उनको लग रहा था कि जो हमारे कंट्री के रिसोर्सेज हैं दे वर बीइंग ड्रेन आउट, और स्टेट की परमिशन, उसकी जानकारी के बिना ये लोग, दूसरे लोग उसका फ़ायदा ले रहे हैं और जो बाहर जा रहे हैं, ड्रेन आउट हो रहे हैं। तो 1979 में क्या हुआ, हमारे जो असम के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एक पार्टी बनाई, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, दैट इज नोन एज AASU, द फुल फॉर्म ऑफ AASU इज ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन। इसको लेके जो बनाई गई थी मूवमेंट अगेंस्ट द इलीगल माइग्रेशन और डोमिनेशन थी जो बंगालीज की, आउटसाइडर की, उसके अगेंस्ट बनाई गई। ये एक्चुअली ये फॉल्टी वोटर्स थे,
नकली वोटर्स थे जो वहाँ की हमारी पॉलिटिकल जो हमारी एनवायरनमेंट था, पॉलिटिकल जो कंडीशंस थी उसके ऊपर भी इसका बैड इम्पैक्ट पड़ रहा था। अगेन स्टूडेंट्स, राजीव गांधी के एफर्ट से, उस टाइम राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस गवर्नमेंट थी, राजीव गांधी लेड द गवर्नमेंट एंटर्ड इनटू द नेगोशिएशन विद AASU जो कि असम के स्टूडेंट यूनियन थी, उनके साथ मिलकर एक समझौता किया 1985 में। अकॉर्डिंग टू दिस, इस समझौते में क्या था, द एग्रीमेंट दोज फॉरनर हु माइग्रेटेड इनटू असम ड्यूरिंग एंड आफ्टर द बांग्लादेश वॉर एंड सिंस वर टू बी आइडेंटिफाई एंड डिपोर्टेड। मतलब जब हमारी पाकिस्तान बांग्लादेश बनने के बाद 71 में बांग्लादेश बना था, उस वॉर के बाद, बांग्लादेश वॉर के बाद 71 के बाद और उससे पहले जो भी माइग्रेंट्स यहाँ पे असम में आए थे, अब उनको वापस, उनकी पहचान करी जाएगी, आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनको वापस भेज दिया जाएगा। और ये एक बहुत सक्सेसफुल मोमेंट थी। इसके बाद असम गण जो संग्राम था, असम गण संग्राम परिषद थी, ये बन गई थी जो ऑल इंडिया असम स्टूडेंट्स यूनियन थी और असम गण संग्राम परिषद थी। ये बहुत फेमस यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज बन गई हैं। अब इसको हम जानते हैं असम गण परिषद, इसका नेम है AGP। ओके, अब ये पावर में आई क्योंकि इन पार्टीज की वजह से क्या हुआ था, बहुत बड़ा एक जो था प्रॉब्लम थी, मुद्दा था, वो साइन हो गया था, उसका सोल्यूशन मिल गया था विद द हेल्प ऑफ राजीव गांधी। अब ये पार्टी इतनी फेमस हो गई, इसका नाम असम गण परिषद बन गया और ये पावर में आई 1985 में। और इनका प्रॉमिस क्या था कि पंजाब को असम को दोबारा से गोल्डन असम बनाएंगे। ओके, तो ये बहुत पीसफुल समझौता था, पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स बहुत अच्छा हुआ इसका, बहुत अच्छे रिजल्ट निकले थे। तो अभी तक हमने जो पढ़ा, हम देख सकते हैं कि राजीव गांधी गवर्नमेंट के ड्यूरिंग बहुत ही पीसफुल एग्रीमेंट्स हुए, डिफरेंट जो रीजनल एस्पिरेशंस थी उनको जस्टिस मिला, लोगों की काफ़ी हद तक जो उनकी एस्पिरेशंस थी, होप्स थी, उनकी डिमांड्स थी, वो कंप्लीट हुई। सी द पिक्चर्स, चीयर्स ग्रेट असम पैक्ट अनाउंसमेंट, जो भी ये सारा असम का है, ये समझौते के राजीव गांधी के उनकी नई काम करने की जो पीसफुल पॉलिसी थी वो लोगों को बहुत अच्छी लगी। नाउ सिक्किम, जो छोटा सा सिक्किम था हमारा, ये भी हमारा इंडिया में मर्ज हो गया था। ओके, एक्चुअली ये पहले इंडिया का पार्ट नहीं था। ओके, इट वाज आल्सो नॉट अ फुली सॉवरेन कंट्री, ना तो ये पूरी तरह कोई कंट्री था, ना ही इंडिया का पार्ट था। तो सिक्किम को अपने डिफेंस और फॉरेन रिलेशन को देखते हुए वो इंडिया में। नाउ सी द पिक्चर ऑफ सर राजीव गांधी, एक पोस्टल स्टैम्प है। ओके, जो रीजनल एस्पिरेशंस की रेंज थी, द डिमांड्स ऑफ द स्टेटहुड एंड द इकोनॉमिक डिवेलपमेंट टू ऑटोनमी एंड सेपरेशन वर कमिंग अप। जितनी भी हमारी ये स्टेट्स की डिमांड थी, चाहे वो सेपरेशन की है, ज़्यादा पावर्स की है, या अपनी पूरी स्टेट का उन्होंने एक स्पेशल स्टेटस लेना था, ये सारी चीज़ों ने हमें एक नया लेसन सिखाया कि इवन द एक्सप्रेशन ऑफ रीजनल इशू इज़ नॉट एबनॉर्मल फिनोमिना। ओके, बट द इफ़ द सोल्यूशन इज डन विद द डेमोक्रेटिक नेगोशिएशन और पावर शेयरिंग अमंग द ग्रुप्स पार्टीज, इट विल हैव द फ्लेक्सीबल और द स्मूदिंग इम्पैक्ट्स। अगर इनको हम जैसे राजीव गांधी गवर्नमेंट ने किया, अगर हम इसको डेमोक्रेटिक वे से सॉल्व करते हैं, लोगों को उनकी जो डिमांड्स है वो भी पूरी मिलती है और हमारी कंट्री की जो यूनिटी इंटेग्रिटी है उसके ऊपर भी क्या होता है, अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। अब स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा गोवा का, गोवा की इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, गोवा को लिबरेशन कैसे मिली। सी हियर, जब ब्रिटिश एम्पायर यहाँ से गया था 1947 में, तो पोर्तगल था रिफ्यूज टू विड्रॉ फ्रॉम द टेरिटरीज ऑफ गोवा। पोर्तगीज ने गोवा की टेरिटरीज को छोड़ने से मना कर दिया। गोवा के अलावा उनके पास दीव और दमन था, ये भी उनका कॉलोनियल रूल था जो 16th सेंचुरी से यहाँ पे रूल कर रहे थे। ओके, तो इतने लंबे रूल के बाद पोर्तगीज, दे डिड नॉट वॉन्ट टू लीव इट, सो पोर्तगीज सप्रेस द पीपल ऑफ गोवा, दैट डिनाइड देम सिविल राइट्स एंड कैरिड आउट फोर्स रिलीजियस कन्वर्जन। अब पोर्तगीज के लोग क्या कर रहे थे, अब वो अपना आसानी से यहाँ से जो कंट्रोल था वो नहीं छोड़ रहे थे, लेकिन उल्टा उन्होंने गोवा के लोगों को बहुत सारा दबाव में लेना शुरू कर दिया, उनके सिविल राइट्स बंद कर दिए और उनको ज़बरदस्ती उनके रिलीजियस कन्वर्जन के लिए उनको फोर्स कर रहे थे, उनके धर्म परिवर्तन को लेकर फोर्स कर रहे थे। लेकिन इंडियन आर्मी ने, इंडियन गवर्नमेंट ने पेशेंसली, बहुत धैर्य से पोर्तगीज को मनाने की कोशिश की और
इसके बाद एक ऑपरेशन शुरू किया गया फाइनली 1961। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आर्मी भेजी ताकि गोवा को लिबरेट करवाया जाए और आफ्टर द बियरली टू डेज ऑफ एक्शन गोवा वॉज लिबरेटेड। ओके, गोवा दीव एंड दमन दे बिकेम द यूनियन टेरिटरी। उसके बाद गोवा को वहाँ की जो पार्टी थी द महाराष्ट्रवादी गणतक पार्टी, तो ये गोमंतक पार्टी जो थी MGP, ये था इनकी डिज़ायर थी कि गोवा जो मराठी स्पीकिंग एरिया है महाराष्ट्र में मर्ज होना चाहिए। लेकिन कई ऐसे थे रीज़न थे कि गोवा को सेपरेट स्टेट बनाने के लिए आइडेंटिटी मांग रहे थे, सेपरेट गांव बनाने की इनकी डिमांड थी। सो द वर्ड इज गांव वाज यूज्ड हियर, तो यूनाइटेड गांव पार्टी एक बनी UGP। तो 1967 में सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से एक पोलिंग हुई, ओपिनियन पोलिंग हुई कि गोवा जो था आस्किंग पीपल टू डिसाइड इफ़ दे वांटेड टू पार्ट ऑफ महाराष्ट्र और दे वांट टू रिमेन सेपरेट। तो ये एक तरह का ओपिनियन पोल हुआ था, लोगों के ऊपर छोड़ दिया फैसला इस रेफरेंडम में। रेफरेंडम होता है कि इलेक्शन लाइक होता है जिसमें लोगों की यस और नो पूछते हैं। तो इस रेफरेंडम के बाद 1987 में फाइनली गोवा बिकेम अ स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। इसको महाराष्ट्र में मर्ज नहीं किया है कि इसको अलग से स्टेट का फुल फ्लैज इसको दर्जा मिल गया। सी हेयर द पिक्चर्स, दीज पिक्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। गोवा बैक विद द मदरलैंड, अब गोवा अपनी मदरलैंड के साथ मतलब इंडियन यूनियन के साथ मिल गया था। सो दिस वॉज द चैप्टर रीजनल एस्पिरेशंस। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टैंड द चैप्टर, सो यू नीड टू गो थ्रू द चैप्टर बाई योर सेल्फ ऑल्सो फॉर द बेटर रिजल्ट। वॉच द वीडियो रिपीटेडली स्टूडेंट्स, ओके, एंड थैंक्स फॉर स्टेइंग हेयर एंड लिसनिंग द चैप्टर। वी विल सून बी देयर विद द न्यू चैप्टर, टिल दैट गुड बाई।